becomes invisible. Pretty! Hielo! Hielo! Siete come la shot! मेरी बारी का भाई जी और तुम मेरे रैकेट से खेल रहे हो। हाँ हाँ साबू, मुझे मालूम है ये तुम्हारा रैकेट है। चलो बच्ची को एक गेम और खेलते हैं। ये कबाब भी ना हमेशा साबू के भोलेपन का फायदा उठाता रहता है। ये लो मेरा शॉट। जब बैडमिंटन खेलते हैं कबाब ऐसा ही करता है, पता नहीं क्यों। वहाँ से निकालना तो बहुत मुश्किल है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कुमार, तुम्हें ज्यादा स्टाइल में खेलने की क्या जरूरत थी यार? तुम चुप रहो साबू। आज मैं बहुत थक गया हूँ, लगता है उड़ने की बजाय पानी में तैर रहा हूँ। ओए पमर, अरे अब क्या काम पड़ गया इनको? हमारा शटल का पेड़ में फंसा है, क्या तुम उसे निकालोगे? हमेशा मुझे ऐसे छोटे छोटे काम के लिए बुलाते रहते हैं, खुद से जरा भी काम नहीं करते। ड्यूटी है, निभानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच पमन। तो फिर मैं चलता हूँ। परमन सुनो तो। अरे अब क्या हुआ? परमन क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ नहीं आज नहीं। परमन हाँ बोलो क्या है? कुछ नहीं बस ऐसे बुलाया। अरे मजाक करना बंद करो। मैंने क्या किया? जरा समझो मेरी हालत क्या हो रही होगी। आज मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। मैंने 4 एक्सीडेंट कॉल्स किए हैं, फिर 7 चोरी और डकैती के कॉल्स अटेंड किए। कुल मिलाकर 11 कॉल्स हो गए। देखा ना कितना थक गया हूँ मैं, इसलिए सिंपल एडिशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ना बुलाया? लिख के दूँ, चलता हूँ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं हमारे साथ खेलना परमान का असली काम थोड़ी ना है, उसे तो और भी कई काम है। घर पहुंचने में अभी 10 मीटर बाकी है। 8, 7, 6 चलो शुक्र है पहुंच गए। हाय अच्छा वो तुम वापस आ गए, तुम तो आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अब कौन है? मेरी जगह तुम बात करो रोबोट। परमान नंबर 1। हाँ बोलिए, मैं परमान का रोबोट बोल रहा हूँ। कैसे हो रोबोट? मुझे तुमसे नहीं परमान से मिलना है, चलो जल्दी उसे असाई हिल टॉप पर पहुँचाओ। मैं क्या करूँ? बाय बाय। बदले दूसरे को नहीं भेजना। मुझ पर तरस खाइए बर्डमैन, मुझ में अब जरा भी ताकत नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। अच्छा तो तुम हिलना नहीं चाहते तो मुझे ही कुछ करना होगा। वही लेटे रहना, हिलना मत। 1, 2, 3, 4, 5 और ये। अरे ये तो गायब हो गया। वाह वाह इतने जल्दी पहुंच गए, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अरे बर्डमैन यहाँ क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। लेकिन पहले ये तो बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपको वाकई कुछ काम है भी या मैं घर चला जाऊं? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हो, लगता है कंप्यूटर में एरर आ गया है। एरर? वो क्या है ना, मैं टेलीपोर्टेशन ट्राई कर रहा था लेकिन मैं अगले लेवल पर चला गया जिससे शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी ये सब टेक्निकल बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, सीधे सीधे बताइए ना कि हुआ क्या है। वो क्या है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ तुम इनविजिबल मैन बन गए हो। इनविजिबल मैन? क्या तुम अपने आप को आईने में देख सकते हो? नहीं मैं अपने आप को नहीं देख सकता। डरने की बात नहीं है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, मशीन है खराब तो होंगे ही। मैं अभी जाकर इसे रिपेयर करके लेकर आता हूँ। तो मैं इनविजिबल बन गया हूँ। यानी कि अब मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, मैं हमेशा से यही तो चाहता था। अब आएगा असली मजा। मेरी गायब होने की वजह से मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, मेरे परमान पावर से मैं क्या क्या करता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि मैं जो भी मस्ती करूँगा कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। अरे वाह अरे वाह। मैं और ऊपर नहीं जा सकता हूँ। आज तो परमान भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर तुमने वादा किया था ना कि तुम छोटे कामों के लिए परमान को नहीं बुलाओगे, वो बिजी रहता है। चीको मेरे बारे में कितना सोचती है। ये वाला शटल तो गया ही समझो। मिचिको के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे ये क्या, इतनी तेज हवा अचानक कहाँ से आ गई? लेकिन वो शटल फिर भी नहीं गिर रहा है। लगता है बुरी तरह से फंसा। अरे ये क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पूरा पेड़ गिर गया। हाँ सच कह रहे हो, मैंने भी कभी पेड़ गिरते हुए नहीं देखा। इस बार भी मिचिको को फुल मार्क्स मिले हैं, बड़ी होशियार लड़की है। देखूं अगला पेपर किसका है। अरे ये तो मेरा पेपर है। लगता है यहाँ कोई है,
या फिर मेरे कान बज रहे हैं। पता नहीं इस मित्सुओ ने पेपर कैसे लिखा होगा। मुझे फिर से कम मार्क्स मिलेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस बार तो नहीं, प्लीज प्लीज। मुझे तो लगता है इस बार भी मित्सुओ को जीरो ही मिलेगा। ये क्या लगता है, मुझे किसी ने बांध दिया है। सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मुझे मालूम है मित्सुओ की आत्मा मुझे परेशान कर रही है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ हो जाए मैं इस पेपर पर जीरो लिख कर ही रहूंगा, अंडा बना कर ही दम लूंगा। लगता है ये नहीं मानेंगे, इन्हें छोड़ देता हूँ। आखिर अंडा बना ही दिया। मम्मी केला यहाँ है, आओ ले लो। वाह मजा आ गया। क्या कहा, एक केला तुम्हें चुरा रहा था, कहाँ है वो? मैंने इससे पहले ऐसे उड़ते हुए केले को कभी नहीं देखा, ये जरूर किसी की शरारत है, अभी मैं उसे ठीक करती हूँ। हाँ ये बात तो मैंने कुछ ज्यादा ही सोचती है। अरे क्या कर रही हो? अरे ये तो कोई साधारण सा केला लगता है। अरे ये तो सचमुच साधारण केला है। पता नहीं ये पाको हमेशा अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही क्यों चलाती है। अच्छा है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, बर्दाश्त करो। जब तक मुझे कोई देख नहीं सकता तब तक मैं मजे लेने से नहीं रुकूंगा। इतना सुनहरा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ मैं परमान बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है। भगवान तुम खुश हो जाओ, मैंने अपना कंप्यूटर ठीक कर लिया है, मैं अभी तुम्हें नॉर्मल बना देता हूँ। नहीं नहीं ऐसी भी क्या जल्दी है, बाद में कर लेना। क्या कह रहे हो तुम, कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हो ना? मस्ती नहीं करना, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं तो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। तो फिर जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, बताओ जल्दी। बहुत दूर हूँ, अभी मिलना पॉसिबल नहीं है। बाल बाल बन गया। ये जरूर कुछ शैतानी करने की सोच रहा होगा। कब आओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें परमान पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए, बोलो। हाँ साबू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो पेड़ गिराने का आइडिया हमें क्यों नहीं आया। मैंने तो सोच लिया है कबाओ कि आगे से परमान पर कभी डिपेंड नहीं करूंगा और खुद का काम खुद ही करूंगा। ठीक है साबू, आज के बाद हम अपना काम खुद करेंगे और किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। हाँ कबाओ तुम कितनी जल्दी मेरी बात को समझ गए, कितने समझदार हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही, तुम्हें बस अभी पता चला है। मुझसे बचकर जाएगा कहाँ, यही कहीं होगा। जल्दी कुछ करना होगा, बर्डमैन मुझे किसी भी वक्त पकड़ सकते हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, धड़क धड़क। अरे ये क्या हुआ, अभी कुछ हुआ था, कुछ देर के लिए एक रोशनी मेरे अंदर आई थी और फिर लगता है मैं अपने नॉर्मल रूप में वापस आ गया हूँ। उसे मालूम नहीं चला है कि वो अब दिखाई देने लगा है। चलो देखते हैं कि अब वो क्या शरारत करता है। शायद मैं दिखाई दे रहा हूँ, शायद नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे। कबाओ हाँ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन साबू एक काम करता हूँ, छुप जाता हूँ। कबाओ याद है ना? हाँ हाँ याद है। आज हम इसे इग्नोर करके बता देंगे कि हम इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। हाँ हम इसे इग्नोर करते हैं। साबू हमें बैडमिंटन खेले हुए कितने दिन हो गए, चलो चलकर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे वाह कितना बढ़िया आइडिया है, चलो मजा आएगा। लगता है वो मुझे अब भी देख नहीं सकते, इसका मतलब मैं अब भी इनविजिबल हूँ। निकल जाओ मेरे घर से बदमाश कहीं। मैं इनविजिबल हूँ फिर भी उन्होंने मुझे केक खाते हुए कैसे पकड़ लिया, ये मेरे साथ क्यों होता है।